पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, सिंधिया कोई तोप नहीं है जिसके लिए हमें दुख हो, वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उसकी नैयां डुबा देते हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज के 15 महीनों का हिसाब मांगने पर कहा कि शिवराज पहले 18 साल का हिसाब दें, तब मैं 15 महीने का हिसाब दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस दौरान कमलनाथ अपने विरोधियों को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं। सिंधिया हो या शिवराज, कमलनाथ हर किसी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया के जाने पर कांग्रेस कैसे चंबल के इलाके में जीत हासिल करेगी, तब कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है जिसकी हमें जरूरत हो, जहां भी महाराज गए हैं उस पार्टी की नैयां डुबा दी है। मुरैना ग्वालियर में भाजपा को महापौर चुनाव तक नहीं जिता पाए सिंधिया। वहीं शिवराज के 15 महीने का हिसाब मांगने वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि पहले शिवराज अपना 18 साल का हिसाब दें, तब मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज व माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार 22 जनवरी 2023 को NCL ग्राउंड बिजौली बैडन में होगा। विनीत रामलल्लू वैश, विधायक सिंगरौली। आठ साल रहे बेमिसाल, बदले हालात, सुलझे सवाल। नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। जिस मिट्टी को छुआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई, सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई। जनता ने जो चाहा वो करके तुमने दिखलाया, 370 हटा के भारत माँ का मान बढ़ाया। जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार, नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।